नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको एक विद्या सिखाने वाले जो कि उल्टा हरि मंत्र है। उल्टा हरि विद्या एक ऐसा विद्या है जो कि आप लोग अगर जानते हो कुछ तांत्रिकों से, नहीं जानते हो तो कुछ जानने वाले तांत्रिक से पूछ लेना कि उल्टा हरि विद्या, उल्टा हरि मंत्र क्या है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या क्या काम ले सकते, बहुत सारे काम ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि कोई किसी का दुश्मन को ख़त्म कर देना हो, किसी का दुकान बंद करवाना हो, किसी का फिर दुकान जो है अच्छा चले इसके लिए भी ले सकते हो, किसी को ठीक करना, किसी को बीमार करना, झगड़ा लगाना, वशीकरण, सब कुछ काम कर सकते हो उल्टा हरि मंत्र से दोस्तों, ठीक है। आगे वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे आप लोगों का मैं सपोर्ट अच्छा रहा तो दोस्तों मैं आगे आप लोगों को मरा हरी जिंदा हरी भी दूंगा। एक इंसान को कैसे मरा हरी मंत्र से जो कम जो जाति का लोग रहता है उसको ख़त्म करके मार कर फिर जिंदा हरी मंत्र से उसको जिंदा करके काम पर कैसे लेता है। जिंदा करने का मतलब दोस्तों इंसान जिंदा नहीं होगा, जैसे उसका जो खोपड़ी रहेगा सर काट कर उसको खोपड़ी का जिंदा करना होता है, तब उसका जो है काम पर लेना होता है। मेरे पास विद्या है, गुरु ने सिखाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को आगे दूंगा, लेकिन मैं किया नहीं हूँ। गुरु मेरा जो गुरु जी हैं वो करते हैं, तो मुझे करने का आज्ञा नहीं मिला अभी तक। मैं आगे आप लोगों को ऐसा पढ़ रहा तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। सब खबर ले सकते हैं आप, क्या किसने किया है, वो खोपड़ी आपको फेस टू फेस एकदम बात करेगा खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी चलाएगा तो आसमान में उड़ कर जाएगा, वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। आग लगा देगा किसी के घर में जाकर, ऐसा है, ठीक है। वो विद्या भी आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन आज का जो है उल्टा हरि मंत्र है, इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ये दूसरा मैं काम के लिए काली चालन के लिए लिया हूँ। तो उल्टा हरि के लिए दोस्तों मैं विधि आगे बताता हूँ, उसके बाद जो है मंत्र आपको मैं आगे समझाता हूँ, लिख कर भी देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों एक मिट्टी का जो है बाती लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा भी होना से चल जाएगा, आपको मैं समझाने के लिए लिया हूँ। आपने एक बाती ले लिया, उसके बाद सलीता इसमें डालकर सरसों का तेल इसमें डालकर आपको बाती जलाना है। उसके बाद एक केला को लेना है, सब कुछ आगे रेडी कर लेना है दोस्तों, ठीक है। एक केला को लेकर उसको केला तो है नहीं, अभी मैं चाकू रखकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक केले को उसको छिलके उतर कर, इसे बाती जल रहा है, बाती के ऊपर इस तरह से केले को ऐसा रखना है, केले के छिलके उतर कर दोस्तों, ठीक है। ऐसा रख दिया, बाती जलता रहेगा। उसके बाद जो है इस केले के ऊपर में आपको एक अगरबत्ती को ऐसा गाड़ देना है, और अगरबत्ती भी जलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये केले के ऊपर में जो है एक चीनी का दाना ऐसा उंगली से थोड़ा दबा देना है, क्योंकि गिर जाएगा ना, तो चीनी का दाना एक दाना को ऐसा दबा के रखना है। और उसके बाद जो है बॉयल किया हुआ बेगर का जो चावल रहता है, चावल का एक दाना भी ऐसा बीच में उसको दबाना है। और उसके बाद खोई आपको रखना है, खोई का मतलब दोस्तों एक ही खोई आपको बनाना है। कढ़ाई में आपको बालू डालना है, बालू का मतलब जो रेत रहता है, रेत को आपको कढ़ाई में गर्म करना है। करने के बाद एक धान जो अच्छा वाला धान ले लीजिएगा, धान को उस बालू में जब गर्म हो जाएगा बालू, तब उस धान में बालू में आपको धान को देना है, ठीक है। देने के बाद वो गर्म होकर फूट जाएगा, फूटने के बाद सफ़ेद वाला जो खोई रहेगा वो खोई बन जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कढ़ाई में ज़्यादा धान नहीं डालना है, सिर्फ एक ही धान आपको डालना है, एक धान का ही एक खोई बनाना है आपको, ठीक है। एक खोई बनने के बाद सब कुछ आगे पहले बना लेना है, उसके बाद इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से करना है आपको करने के टाइम पे, ठीक है। आपने एक चीनी का दाना ऐसा रखने के बाद चीनी का दाना दे दिया, चावल का दाना दे दिया, वो खोई बनने के बाद वो खोई भी आपको इस तरह से यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद दोस्तों आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है दोस्तों, ठीक है। तुलसी के बाद उल्टा तरफ से आपको पानी देना है, बाएँ हाथ से, दाएँ हाथ से नहीं, उल्टा हाथ से आपको ये जो तुलसी का पत्ता का जो ये डंडा रहेगा, ये डंडा नीचे इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह से आपको पानी नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से उल्टा करके आपको ऐसा बाएं हाथ से आपको पकड़ कर कटोरा में पानी लीजिएगा, और इस तरह से पानी उठा लेना तुलसी का पत्ता पर। पानी उठाने के बाद आपको एक बार मंत्र पढ़ना है, और ये जो बाती जल रहा है इसके ऊपर जो केला है इस केले के ऊपर में आपको इस तरह से मंत्र पढ़ना है, और पानी इस तरह उल्टा हाथ से उल्टा तरफ से पानी उसको देना है दोस्तों, जल वहाँ पर छोड़ देना है। एक बार मंत्र पढ़ना है, पानी इस तरह से उठाना है उसमें छोड़ देना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ना है उसमें छोड़ देना है, और लास्ट में जो तीन बार करना है दोस्तों, लास्ट में जो रहेगा वो पानी को उठाने के साथ ये जो बाती जल रहा है, ये बाती को एकदम आपको एक ही झटके में इस तरह से बाती को पूरा बुझा देना है दोस्तों, ठीक है। पानी उठाकर बाती को एकदम बुझा देना है। बाती बुझाने के बाद इस तरह से तुलसी का पत्ता भी यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद ये जो दिया के साथ उठाकर तीन जो रास्ता रहेगा, तीन रास्ता के बीच में आकर जाकर आपको रख देना है दोस्तों। आपका देखना तुरंत ही काम आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी काम आपने किया है, लेकिन मंत्र में वो बोलना पड़ता है काम के लिए, ठीक है। तो मंत्र क्या है मैं आप लोगों को एक बार पढ़कर सुना देता हूँ और लिख कर भी देता हूँ। मंत्र देखते तो ओम हरि, ओम हरि मोरा मोरा, शिव मोरा, ब्रह्मा मोरा, विष्णु मोरा, ओम रिह रिह मोरा मोरा, हे हरि
नाम उल्टा हरि बोल फलनाक तक उल्टा पागे शबुम तक ओम क्लीम कृष्ण सहाय गुरु सहाय। ये मंत्र को आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब फलनाक जो है, फलनाक व फलनाक जो भी है उसमें आपको वो व्यक्ति जो ये करना है उसको नाम बोलना होता है दोस्तों। इसमें बान मारने का ये अलग अलग है, उसमें शब्द कुछ जोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है, लेकिन मैं आज आपको ये जो बताया हूँ ये कोई आपको कोई तांत्रिक है जो आपको बार बार बान मार रहा है, बार बार कुछ तंत्र मंत्र क्रिया कर रहा है, तो उसको जो उसने किया है वो उसको ऊपर जो है उल्टा फेंक देना है, ठीक है। वो एकदम बिस्तर पर लेट जाएगा, ज़िंदगी में तंत्र मंत्र करने का उसका जो है साहस ही नहीं होगा, ठीक है, लेट जाएगा, माफ़ी मांगेगा आपको दोस्तों, ठीक है, अगर उसने किया है तो। इस ये मंत्र मैं आपको बताया हूँ। और दूसरा काम करने के लिए मंत्र यही है, आपको काम के लिए बीच में जो शब्द दूसरा लेना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर फलना कोई ऐसा व्यक्ति है आपको जो है वो कर रहा है ना, तो अगर कोई ऐसा नाम वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं, अब कौन क्या नाम जाए, किसने क्या किया है, कोई ऐसा दुश्मन है छुपके से आपको कर रहा है, उसका नाम भी आप नहीं जानते हो, ठीक है ना, तो वो कर दिया है जादू मंत्र, कर दिया है कुछ, बान मार दिया है, तो ये भी आपको कर सकते हैं बिना नाम लिए। आपको जो फलना है उसके नाम वहाँ पर नाम नहीं बोलना है आपको, जो जे आमर अंगे करीबे घाव फलनाक तो उल्टा पाके शबुम तो, इस तरह से बोलना है, ठीक है ना। नाम बिना भी आप कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नाम आप जानते हो वही व्यक्ति ने जो है मुझे बान मारा है, आपको ये कर रहा है, तो ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब किसी को झगड़ा लगाना है, वशीकरण करना है, तो दोनों का नाम बोलना है, आपको काम के लिए ऑर्डर देना है। ये मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, बाद में जो है आपको समझा दूंगा कैसा करना है, विधि यही रहेगा सेम, आपको यही इस तरह से बाती लेना है, इस तरह से करना है, लेकिन सिर्फ काम के लिए अलग अलग आपको ऑर्डर देना है, उस मंत्र में बीच में बोलना होता है, ठीक है। देकर ऐसा पानी देकर वो बाती बुझाकर आपको तीन रास्ते में जाकर छोड़ के आना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो मैं आगे भी बहुत सारा ऐसा दूंगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो पर, धन्यवाद।